अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त डेली अपडेट्स के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपका मेज़बान इरफान मलिक हाजिर हूं मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर। नाज़रीन, आपको बता दें, आज सुबह ही हमने आपको लाइव स्ट्रीम करके एक अपडेट दिया था नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके से, जहां पर आज रात देर गई एक इनकाउंटर शुरू हो गया था, जिसमें अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि इस इनकाउंटर में लगभग 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। आपको बता दें, इसमें से 22 साल लॉन्गेस्ट मिलिटेंट जो है वो भी इसमें मारा गया है। इन मिलिटेंटों की पहचान जो है वो लश्कर ए तैयबा ग्रुप से हुई है। आपको बता दें, फोर्सेस ने आज सुबह 4 बजे के बाद मालवा इलाके का मुहासरा किया, बारामूला के मालवा इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद एक इनकाउंटर शुरू हो गया। अभी अभी ये इत्तला मिल रही है कि इस इनकाउंटर में लगभग 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। तो नाज़रीन, आपको कुछ एक विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये विजुअल्स हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं मिलिटेंट्स के, वो इनकाउंटर साइट पर आए थे, जिसमें से फैसल हाफिज़ जो क्लास 12th का स्टूडेंट था, क्लास 12th का स्टूडेंट जिसने सिर्फ 38 दिन यानी लगभग 40 दिन पहले उसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, और उसके घर वाले जो हैं फैमिली मेंबर जो हैं वो इनकाउंटर साइट पे आए थे, और वहाँ पर क्या मंजर था, तो ये विजुअल्स हैं उसी के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये विजुअल्स हैं फैसल हाफिज़ जो क्लास 12th का स्टूडेंट था, जिसने लगभग 38 दिन पहले ही मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, और आज वो इनकाउंटर में फंस गया था, और जिसके बाद के ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। ये फैसल हाफिज़ की फैमिली है जो कोशिश कर रहे हैं फैसल हाफिज़ को बचाने की, और ये कह रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो आराम से जी सके। तो आपको बता दें, आज सुबह ही लगभग 4 बजे के बाद इनकाउंटर शुरू हो गया था बारामूला के मालवा इलाके से, जहां पर लगभग अभी तक 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। लश्कर ए तैयबा से इनकी एफिलिएशन थी, जैसा कि पुलिस का स्टेटमेंट आया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट से हम आपको आगाह करा रहे हैं।